एक बार मॉर्निंग में लगाएं जब आप नहा लेते हैं एंड तब तब लगाएं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मी। आज के इस वीडियो में मैं आज यहां आपके साथ शेयर करने वाली हूं लोटस हर्बल वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम का रिव्यू। हम यहाँ पे बात करेंगे इस क्रीम को अप्लाई करने का सही तरीका, और इसके अलावा हम बात करेंगे ये क्रीम कितनी इफेक्टिव है, और इसके अलावा ओवरऑल ये क्रीम कैसी है इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है तीन चीजें जो कि मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को करना है लाइक, और हाँ कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का, पहले इसके ऊपर एक कार्ड बॉक्स था जो कि नॉर्मली सभी क्रीम में आता है, और उसके बाद की जो अगर इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरीके से है। ये ग्लास का है, एंड आप इस चीज़ के लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं कि ये ग्लास का है, कहीं गिर जाए तो ये प्रोडक्ट हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर इसके प्राइस की बात करें तो मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया था, ये 280 का था, लेकिन मैंने जब इसे ऑनलाइन मंगवाया था तो ये मुझे 240 अराउंड के लगभग था। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप कुछ चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको थोड़े डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ट्राई करिए कि एक बार ऑनलाइन चेकआउट कर ले प्राइस, और उसके बाद अगर आप ऑर्डर करें तो थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने 240 अराउंड परचेज किया था, और इसकी प्राइस है 280, और इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये 40 ग्राम का है, और इस तरीके से ये है। और मुझे ये पैकेजिंग इसकी अच्छी लगी। सही तरीका इसको अप्लाई करने का ये हुआ कि आप एक बार इसको मॉर्निंग में लगा सकते हैं, और एक बार आप सोने से पहले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा सजेशन माने तो अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप इसको दो टाइम अप्लाई करिए तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इजिली समर में इसको टू टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे बस एक टाइम मॉर्निंग के टाइम पे ही अगर अप्लाई करते हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ बिल्कुल सोचने वाली नहीं है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको परचेज मत करिए क्योंकि आपकी और ऑयली स्किन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो एक बहुत स्मूथ और एक बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ रही है। मेरी ड्राई स्किन है, मैंने जब इसको अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ। एंड जैसा कि ये क्लेम करता है कि ये वाइटनिंग क्रीम है एंड ब्राइटनिंग क्रीम है, तो यस, वाइटनिंग तो अभी मैं ज़्यादा टाइम से यूज़ नहीं कर रही तो मैं ये बता नहीं सकती आपको ये कितनी वाइटनिंग कर रहा है। लेकिन हाँ, जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत स्मूथ स्किन लगेगी आपकी, एंड यस, ब्राइटनिंग क्रीम ये बिल्कुल है। क्योंकि जब आप जैसे ही अप्लाई करते हैं एक वाइटिश सा एकदम ग्लो आता है फेस पे, जो कि बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई इसकी कि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये बहुत प्यारा सा और बहुत स्मूथ सा लुक आ रहा है। और समटाइम्स जब आप दो बार तीन बार इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने यूज़ किया हुआ है इसको दो तीन वीक के बाद, तो आपको एक इफेक्ट का एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी क्लियर दिखने लगती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल इस बात पे सपोर्ट नहीं करती हूँ कि कोई भी क्रीम आपको गोरा कर देगी या फिर आपकी स्किन टोन को बहुत ज़्यादा लाइट कर देगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कोई क्रीम आपकी स्किन को थोड़ा सा लाइट कर सकती है, थोड़ा ब्राइटन कर सकती है। तो यस, अगर आप इसको दो तीन वीक यूज़ करेंगे तो ये इफेक्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मुझे ये क्रीम इसलिए बहुत पसंद आया कि आपकी क्रीम, आपका जो फेस है वो बहुत स्मूथ दिखने लगेगा, एंड थोड़ा सा एक ब्राइटनिंग और थोड़ी सी लाइटनिंग स्किन पे आती है, एंड ग्लोइंग लगने लगता है आपका चेहरा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए ये मुझे क्रीम अच्छी लगी है। इनफैक्ट मैं आपको कह सकती हूँ ये क्रीम मुझे बहुत पसंद आई है। मेरी ड्राई स्किन है, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है और मेरे लिए ये समर के टाइम पे, दोनों टाइम पे मैं इसको नाइट में भी यूज़ कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग में भी यूज़ कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको बस एक टाइम मॉर्निंग में यूज़ करिए, क्योंकि मोस्टली ऑयली स्किन के साथ क्या होता है कि अगर आप नाइट को कोई मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं जो थोड़ा हैवी हो तो वो चीज़ सुपर ऑयली ऑयली हो जाता है, तो आप इसको नाइट में अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं तो एकदम परफेक्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप की स्किन है, ऑल टाइप स्किन, इसको आराम से यूज़ कर सकती है। तो ऑल ओवर अगर प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो ये क्रीम मुझे पसंद आई है, एंड यस, लगाने के बाद भी अच्छी है, एंड दो तीन वीक के बाद इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। और इसके साथ साथ इसकी प्राइस भी ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। थोड़ा ऑनलाइन चेक करेंगे तो थोड़ा और अफोर्डेबल आपको प्राइस में ये मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात मुझे जो इस प्रोडक्ट की लगी है वो यही है कि एक स्मूथ और एक बहुत प्यारा सा फिनिशिंग आपके चेहरे पे आता है। जैसे कि आप जानते हैं
मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मैं जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ रिव्यू करती हूँ मैं इसीलिए इसको परचेज ही करती हूँ ताकि मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकूँ कि ये कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव नहीं है, इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये कितना अच्छे से काम कर रही है, कितना बुरा से काम कर रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं प्रोडक्ट परचेज ही करती हूँ, देन उसको अप्लाई करती हूँ और कुछ दिनों के बाद जब मुझे उसकी चीज़ें समझ में आने लगती है तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इतना मैं एफर्ट डालती हूँ और अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए। और ऑल ओवर इस प्रोडक्ट को अगर बात करें तो मुझे पसंद आया है, आप एक बार इसे चेकआउट। ये था ऑल अबाउट रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।